हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर की रसोई में। हम अपने घर की रसोई के साथ साथ आपको अपने घर का भी थोड़ा बहुत व्यू दिखाते हैं। तो आज हम छत पे आए हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और देखिए पूरे बादल पे पानी छाया हुआ है। तो बच्चों ने जिद किया कि आज थोड़ी देर के लिए छत पे चलते हैं, तो हम भी ऊपर चले आए कि चलो। अन लाइट भी नहीं था हम लोग के साइड में, तो हम कहें कि चलो आज थोड़ा देर छत पे बैठते हैं। बहुत हवा चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए दोनों मेरी दोनों बेटियाँ ऊपर आ गई हैं और जल्दी ये लोग भी छत पर नहीं आती हैं क्योंकि धूप है और रहता है अक्सर गर्मी में, रूम में ही रहना इन लोगों को पसंद है। पर आज हम लोग सब लोग छत पे आ गए हैं। तो मेरा घर देखिए गंगा जी के ठीक ऊपर घाट पे ही मेरा घर है और वहाँ से ये व्यू हमें बहुत ज़्यादा पसंद है देखने में। हम आप लोग को भी दिखा रहे हैं, देखिए पेड़ पौधा और गंगा जी का पानी, बादल जिसमें अच्छे से पानी भरा हुआ है लेकिन पता नहीं बरसेगा कि नहीं बरसेगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। शायद बादल आगे भी निकल सकता है, थोड़ा बूंदाबांदी हो जाए तो मालूम नहीं। राजघाट का पुल जिस जो एक शहर से हम लोगों को गंगा जी आर पार करने में मदद करता है। अब देखिए इन लोगों का शैतानी, जैसा कि ये बच्चे हैं ना, ये वो आपस में ऊपर चढ़ गए तो चढ़ा दिए हैं। कढ़ाई चढ़ाने के बाद हम उसमें तेल डाल देंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि उस तेल में सबसे पहले हम क्या फ्राई करेंगे, प्याज या आलू, ये देखने के बाद पता लगेगा। तो साथ साथ ही हम चावल को भी धो के रख दे रहे हैं आँच पे, ताकि एक साइड में तेल गरम करके हम उसका पूरा मसाला आलू प्याज ये सब कुछ फ्राई करें और दूसरी साइड में चावल भी तैयार हो जाएगा। तो आज ऐसे तो कोई मतलब रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही मन हो जाता है कि चलो आज कुछ भी अच्छा बनाना है। तो वेज में क्या बनेगा, वेज में देखिए वेजिटेबल है ना, ग्रीन वेजिटेबल बच्चों को ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं है, उनको चाहिए या नॉन वेज पसंद है और वही या तो चाइनीज़। तो चाइनीज़ भी बहुत खाती हैं लोग, तो उब गए हैं चाइनीज़ में भी बना बना के। मंचूरियन है, पनीर चिल्ली है, फ्राई राइस है, ये सारी चीज़ें। तो आज हम कहें कि कुछ अलग बनाते हैं जो नॉनवेज जैसा फील तो कराएगा पर वो नॉनवेज नहीं रहेगा, प्योर वेज रहेगा। तो उसमें हम कहें कि चलो आज बिरयानी बना देते हैं, बच्चों का कहने के वजह से ही हमें ये कुछ बनाना पड़ रहा है। तो हम पानी भी चढ़ा दिए हैं, पानी में एक चम्मच नमक और थोड़ा सा देसी घी डाल दिए हैं। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, देसी घी का कोई ज़रूरी नहीं है। तो तेल देखें, तेल भी अभी अच्छे से गर्म हो गया है, हमने उसमें थोड़ा सा जीरा डाल के चेक करेंगे कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। सबसे पहले हम मसाला दिखा देते हैं आपको। हम पतला पतला अदरक और मिर्ची थोड़ा सा काट के रख लिए हैं और दो तेज पत्ता है, दो सूखा लाल मिर्च है, ये एक बर्तन में हम ले लिए हैं। लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, स्याजीरा, काली मिर्च, जावित्री और स्टार फूल का थोड़ा सा टुकड़ा, इसको भी हम रख लिए हैं। इसका हम दरदरा कूट के कुछ पाउडर जैसा बनाएंगे और नमक जो ऑलरेडी नमकीन चीज़ में होता ही है, तो थोड़ा सा जीरा ले लिए हैं छौंकन के लिए, और किचन किंग मसाला, बिरयानी मसाला, थोड़ा खड़ा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। और हम प्याज को काट के डीप फ्राई करके रख लिए, बहुत महीन प्याज हो गया था, छोटा छोटा। बस जैसा कि बताएं लाइट नहीं था, तो हम लोग सोचे कि लाइट ज़्यादा देर तक ना चला जाए, इसके लिए हम लोग जल्दी जल्दी काम शुरू कर दिए थे। तो महीन महीन प्याज काट के फ्राई करके उसको जाली में रख दिए ताकि एक्स्ट्रा जितना भी उसका तेल हो वो बाहर निकल जाए। और आलू को इस तरह से दो भाग में हम छील लिए हैं, छीलने के बाद उबालने के बाद छील लिए, छीलने के बाद उसमें हल्दी और नमक मिला के थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर देंगे। फूटना नहीं चाहिए, आलू बिल्कुल उबला हुआ है, मतलब इतना उबला हुआ है कि वो गलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये आलू गल ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा और इसको हम फ्राई करेंगे तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। तो आप चाहें तो कच्चे आलू का भी बना सकते हैं, हल्का सा उसको काट के इसी तरह से उसको बड़े बड़े टुकड़े में काट लीजिए छिलने के बाद, और धो के नमक के पानी में उसको थोड़ी देर रख दीजिए। उसके बाद आप इस तरह हल्दी नमक लगा के उसको डीप फ्राई कर दीजिए, तो बस वो कच्चे आलू का बनेगा। ये उबले हुए आलू का हम बना रहे हैं, ये जल्दी बन जाएगा। तो इस तरह से हम सारे आलू को धीरे धीरे से तेल में डाल दे रहे हैं, देखिए तेल भी अच्छे से एकदम गर्म हो गया है। तो तेल एकदम बढ़िया से हो गया है और धीरे धीरे करके हम सारा आलू इसमें डाल देंगे। और इसे एक ध्यान रखना है आपको, बार बार ज़्यादा चलाना नहीं है,
क्योंकि सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जलना नहीं चाहिए, क्योंकि इतना उबले आलू में पानी इतना सूखा रहता है कि वो जल्दी जलेगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले वो पानी को सुखाएगा फिर जाके कहीं वो जलेगा। तब तक तो आप एक दो बार बीच में चला ही लोगे ना, क्या एकदम डाल के आलू उसमें छोड़ना थोड़े ही ना है, उसको बीच बीच में देखते रहना है। तो एक साइड में मेरा चावल भी चढ़ा हुआ है, तो हम देखें चावल पका या चावल भी उतना ही पकाना एक कम्प्लीटली इसमें समझ लीजिए आप आलू पूरी तरह से उबला हुआ है, चावल भी पूरी तरह से पका रहेगा आप सब। लेकिन ये ध्यान रहे कि चावल और पानी एक साथ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ठंडे पानी के साथ चावल को चढ़ा देंगे तो जब तक पानी गर्म होगा चावल नीचे बैठा रहेगा, वो चावल आपका जल सकता है। तो सबसे पहले पानी रखें और उसमें थोड़ा सा नमक और घी या रिफाइंड कुछ डाल दें, जब पानी खौलने लगे फिर उसमें चावल डालिए, ताकि चावल अपना ऊपर नीचे होता रहेगा खौले पानी के साथ। अब चावल अच्छे से खौल रहा है तो उसमें हम डाल रहे हैं कुछ खड़ा मसाला, जैसे कि लाल मिर्च डाल दिए हैं, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, थोड़ा सा स्टार फूल, काली मिर्च, बच्चे काली मिर्च निकाल निकाल के फेंक देते हैं लेकिन फिर भी हम डाल देते हैं, थोड़ा सा कूट के डालते हैं, थोड़ा सा खड़ा डालते हैं कि अच्छे से उसका पूरा फ्लेवर चावल में आ जाएगा। इसको धीरे से हम चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाना है इसको, सिर्फ एक चेक करेंगे कि ये भी ओवर कुक नहीं होना चाहिए। बाय चांस मान लीजिए कि आपका चावल ओवर कुक हो गया, भाई आप एक तरफ एक साइड में कुछ और काम कर रही हैं, चावल पे ध्यान थोड़ा सा हट गया और ओवर कुक हो गया, तो आप फट से उसे किसी जाली जैसे बर्तन में उझेल दीजिए और ऊपर से ठंडा पानी डाल दीजिए, ताकि चावल के अंदर जो हीट होता होगा ना गर्म पानी का, उसकी वजह से चावल ओवर कुक ना हो पाए, उतने में ही वो रुक जाएगा। तो आप ठंडा पानी डाल देंगे तो वापस से चावल एकदम अलग अलग खिला खिला सा बनेगा। तो देखिए ये आलू भी हो ही रहा है, आलू को हमको थोड़ा सा और ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन, और थोड़ी देर बाद उसको हम छोड़ दिए थे, वापस से आलू को बारी बारी से हम गोल्डन ब्राउन होने तक होने के बाद हम उसको निकाल लिए हैं, और थोड़ा सा तेल बचा हुआ है उसमें से हम और तेल निकाल दें, तेल बहुत ज़्यादा था, तेल कम कर दिया, और हम बहुत थोड़े से ही तेल में बिरयानी बनाएंगे, क्योंकि आलू पका हुआ है, चावल पका हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा मसाला हमें तैयार करना है। तो थोड़ा सा तेल हम छोड़ दिए हैं उसमें, और अब हम उसमें डाल दिए हैं 2 तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा, जो कि आप लोग देखे थे जीरा, इसमें हींग वगैरह नहीं पड़ेगा तो, लेकिन हम नहीं डालते हैं हींग, हम मसाला तो तैयार कर लिए थे पर हम प्याज काटना के लिए छोड़ दिए थे, भूल गए थे, छोड़ नहीं दिए थे, भूल गए थे, छिलके रखे थे लेकिन काटे नहीं, तो अचानक समय आ गया कि प्याज तो हम डाल ही नहीं है, तो अब उसी कढ़ाई में है, इस कटर है मेरे पास, इससे बहुत अच्छा से प्याज कट जाता है, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि चौकोर काटना है, लंबा काटना है, बस हाथ नहीं रुकना चाहिए, तो इसलिए फटाफट से हम कढ़ाई के ऊपर ही प्याज को फटाफट रेत के डाल दिए हैं। थोड़ा अभी हमें कम लग रहा है प्याज, तो और एक दो प्याज को हम इस तरह से रेत देंगे, ये जितना छोटा प्याज है इसको हम काट के धो के रखे थे, ये सिरका वाला प्याज डालने के लिए, लेकिन हम बिरयानी में डालने के लिए प्याज नहीं छीले, फिर वापस से हमें वो सारे छोटे प्याज को यूज़ करना पड़ रहा तो हम एक्स्ट्रा छोटा प्याज मंगवा के रखते हैं। ये देखिए छोटा छोटा प्याज है सारा, बेबी प्याज, इसको हम छील के धो के रख दिए थे सिरके वाले प्याज के लिए। सिरका वाला वीडियो मेरे इसी चैनल पर है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके का प्याज, उसमें हम कलर के लिए चुकंदर डाले थे, बहुत अच्छा प्याज, वो प्याज हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही अच्छा लगता है, किसी भी खाने के साथ हम लोग लेते हैं उसको, प्याज तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ के साथ प्याज खाना ही है। अब देखिए प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गया है, उसमें हम डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। पिसा हुआ मसाला में क्या है, अदरक, लहसुन, मिर्चा, हरा मिर्च और एक बड़ा प्याज का टुकड़ा, जिसका हम एक अच्छा सा पेस्ट बना लिए हैं। क्या ध्यान रखिएगा, अदरक, लहसुन, मिर्चा और प्याज का पेस्ट है ये, तो सबको अच्छे से मिक्सी में चला लिए, तो भगवान की बड़ी कृपा थी लाइट आ गई बीच में, लाइट आ गई तो फिर बच्चे लग गए अपने अपने काम में, कोई टीवी देखने बैठ गया, कोई पानी भर रहा है, तो साथ में हम जल्दी से मिक्सी का काम पूरा कर लिए, क्योंकि आदत पड़ा हुआ है मिक्सी में काम करने का ज़्यादातर, तब तो अगर लाइट नहीं है तो मिक्सी तो का काम तो बिल्कुल रुक जाएगा। तो देखिए मसाला भी एक अच्छे से भुना रहा है, तेल बहुत थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया है तेल हमें लग रहा है प्याज में, तो हम पहले प्याज का पूरा पानी सुखा लेंगे, अदरक लहसुन का और प्याज का पूरा स्मेल जब निकल जाए फिर उसमें आप डालें सूखा मसाला, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ये पाउडर का सारा फिल्म इसमें डाल देंगे मसाले का, और कुटा हुआ गरम मसाला जो हम दिखाए थे कटोरी में
उसको भी डाल दिए हैं। अब देखिए ये शायद हमें लग रहा है कि तेल थोड़ा कम हो गया है, तो जो आलू फ्राई करके हम एक्स्ट्रा तेल निकाल के रखे हुए थे उसको एक बर्तन में अलग से रख दिए थे क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा था, तो हम सोच रहे हैं इसमें थोड़ा सा तेल और डाल दें ताकि मसाला जलना नहीं चाहिए। देखिए आलू कितना बढ़िया फ्राई हुआ है, इसमें नमक और हल्दी लगा हुआ है, आप चाहें तो ऐसे ही एक एक आलू चिख सकते हैं, खा सकते हैं, इसमें मज़ा आएगा, चटनी के साथ खा लें बिल्कुल पकौड़ी जैसा लगेगा। थोड़ा तेल देखिए आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा तेल हम इसमें डाल दिए हैं क्योंकि तेल हमें कुछ ज़्यादा ही कम लग रहा था, कुछ ज़्यादा ना कंजूसी हो जाए हल्का खाना बनाने के चक्कर में कि घी तेल मसाला ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा कम हो गया। मिक्सी के जार को हम धो दिए हैं जिसमें मसाला लगा हुआ था सारा। मेरा ये आदत है अगर मिक्सी के जार में हम कोई भी चीज़ मसाला का किसी भी चीज़ का पेस्ट बनाएंगे तो उसको धो धा के एक बर्तन में किनारे रखे रहेंगे, जब भी हमें उस कोई भी डिश हम बनाएंगे उसमें अगर ज़रूरत हुआ तो वही पानी हम सबसे पहले उसमें ऐड करते हैं। और ऐसा हम नहीं, ऐसी सारी लेडीज़ यूज़ करती हैं जो इस तरह से घर गृहस्थी का काम करते हैं। तो हम मसाला अच्छे से भुना गया है, अब हम इसमें डाल दिए हैं एक कटोरी दही, बहुत ज़्यादा नहीं, एक कटोरी दही डाले हैं, छोटा सा कटोरी है, पैकेट में थोड़ा सा दही बच गया है, हम सोच रहे हैं ये दही थोड़ा सा रख के कोई फ़ायदा नहीं है तो इसको भी काँच कुछ के डाल देते हैं। अब थोड़ा थोड़ा चीज़ रख दो फ्रिज में तो बड़ा दिक्कत होता है, ये होता है कि अब ये किस चीज़ में यूज़ होगा, इतना थोड़ा सा दही है। तो कटोरी का भी देखिए, हम बताए थे ना मिक्सी को जैसे धो के डालते हैं वैसे कटोरी में भी अगर कुछ मसाला वगैरह रखे हैं तो उसको भी धो धा के उस सब्जी में डाल देते हैं ताकि अच्छी तरह से पूरा सामान यूज़ हो जाए। तो मसालों को हम थोड़ा सा धीमे तेज करके आँच को बहुत ही अच्छे से भुनेंगे ताकि उसका कलर, जो लाल मिर्च पड़ा है उसका कलर और वापस घी तेल जो कुछ भी है वो सब अच्छे से बाहर आ जाए। क्योंकि हम इसमें देखिए ये देख रहे हैं आप, ये है कटहल का कोफ्ता, कल हम बनाए थे कटहल का कोफ्ता और चावल, तो कटहल का कोफ्ता का गोल बहुत सारा कोफ्ता बच गया था तो हम इसको फ्रिज में रख दिए थे, हमें ध्यान में था कि आज कुछ अच्छा बनेगा तो इसको कहीं यूज़ करेंगे, तो बिरयानी में हम सोचे आज इसको यूज़ कर देते हैं क्योंकि उस फ्रिज में से निकाले हैं। अब सबसे पहले इसको हम एकदम डीप फ्राई एक बार और करेंगे क्योंकि बहुत ठंडा है ये और सॉफ्ट भी हो गया है, तो इसको पहले एकदम तेल गरम करके, वो आलू वाला तेल रखे थे उसी में हम एकदम गरम करके इसको एकदम फ्राई कर देंगे। और हम नमक डाल दिए हैं मसाला में, नमक का ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि अब चावल बनाते वक्त भी हम नमक डाले हैं और आलू को भी जो फ्राई किए थे उसमें भी नमक था, तो इस वक्त हम सिर्फ उतना ही नमक डाल रहे हैं जितना कि मेरा मसाला इसमें तैयार हो रहा है। और चावल के साथ भी हल्का नमक अगर ज़रूरत हुआ तो हम बाद में चेक करके डाल लेंगे, लेकिन तेज़ नहीं होना चाहिए, अगर नमक तेज़ होता तो बड़ा मूड ख़राब हो जाता है, टेस्ट भी एकदम बेकार हो जाता है, तो इसलिए हम नमक बहुत हिसाब से डालेंगे। और हम इसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा पानी, ज़्यादा पानी नहीं है, अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो फिर पानी को हमें जलाना पड़ेगा, तो इसलिए उतना ही हिसाब से हम इसमें पानी डाल दिए हैं, एक अच्छा सा उबाल आ जाए ना, कलर कितना बढ़िया लग रहा है। अब इस तरह से मसाला तैयार करने के बाद आप चाहें तो इसमें पनीर डाल सकते हैं और अपने मन मुताबिक रस्सा ग्रेवी या सूखा करके निकाल सकते हैं, तो ये एक अच्छा सब्जी तैयार हो जाएगा। या इसमें आप और आलू ऐड करके, जो आलू के साथ हम बिरयानी बनाने वाले हैं वो आलू भी इसमें डाल के आप थोड़ी देर उसको पका के निकाल सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा डिश तैयार हो जाएगा, एक अच्छे से सब्जी। अच्छे से देखिए पूरा ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है, हम थोड़ा सा ग्रेवी एक कटोरी करीब निकाल ले रहे हैं, इसका यूज़ है बाद में थोड़ी देर में हम दिखाएंगे। और थोड़ा सा ग्रेवी निकाल के हम इसको हाँ साइड में रख देंगे, तेल वेल भी एकदम अब अच्छे से तेल दिखने लगा, उस वक्त तो बड़ा कम लग रहा था मसाला भुनने में, देख रहे हैं तो तेल भी बहुत बढ़िया से दिख रहा है। मसाला एकदम अच्छे से तैयार हो गया है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे, आलू डाल के भी हमको थोड़ी देर क्या, दो चार हाथ चलाना है क्योंकि आलू को पकाना तो है नहीं, सिर्फ मसाले में अच्छे से ये कोटिंग हो जाए आलू के ऊपर मसाले का, बस ऐसे ही धीरे से हम इसको चला देंगे। और इसमें हम डाल देंगे कोफ्ता का दो चार गोली, इसको अच्छे से धीरे से फैला दें क्योंकि अभी हम इसके ऊपर पूरी तरह से इसको चावल से ढकने वाले हैं। अब दिख रहे हैं कैसे धीमे धीमे आँच पे ये खोल रहा है, आँच का विशेष ध्यान रखें, आँच तेज़ नहीं होना चाहिए, अगर आँच तेज़ रह गया गैस का तो फिर ये नीचे से पूरा
मसाला दही भी पड़ा हुआ है, ध्यान रहे तो दही है और मसाला सब जलने का डर हो सकता है। तो इसमें हम चार कोफ्ता किनारे किनारे रख के डाल दिए हैं और वो जो अदरक और लहसुन, अदरक लहसुन नहीं मिर्ची, अदरक मिर्ची का जो हम स्लाइस काट के रखे थे वो भी थोड़ा सा बीच में डाल दे रहे हैं, ताकि बीच में से भी अगर बिरयानी निकालें, चावल का चावल निकालें तो बहुत ही अच्छे से फ्लेवर आए उसमें, अदरक का, मिर्ची का, कोफ्ते का, मसाले का। देखिए चावल भी बहुत गर्म है, हम मेरा एक आदत है गर्म चीज़ हो तो भी हम हाथ से उठा ही लेते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं। अब उठा तो लिए हैं, अब इसको हम ऊपर से धीरे धीरे से पूरा चावल, आधा चावल इसमें हम डाल देंगे, पूरा नहीं, आधा चावल डाल के अच्छे से हम पूरा इसको ढक देंगे। अभी इस फ्लेम पे इसको चलाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आँच बहुत ही धीमा है तो चलाने का कोई दिक्कत नहीं है, कढ़ाई भी मोटा है तो ये जलेगा नहीं। इसमें हम पूरा आधा चावल डाल के इसको वापस से पूरा, देखिए इसको हाँ इसी तरह से करके ढक देंगे। चावल में जो मसाला हम डाले थे, आप चाहे तो वो खड़ा मसाला निकाल भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है और हम तो नहीं निकाले, हम उसी में वापस चावल के साथ ही उसको जाली में मैं पूरा पसा दिए, उसके बाद वही मसाला चावल सब इसमें डाल दिए हैं। कहीं कहीं देखिए काली मिर्च है और जावित्री है, ये दिख रहा है, तो इसमें डाल के हम छोड़ देते हैं और आप चाहें तो उसको निकाल भी सकते हैं। इसको अच्छे से फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम लगाएंगे धीरे धीरे से आलू, जो आलू हम थोड़ा सा बचा लिए थे, और कोफ्ता का कोफ्ता भी बचा लिए थे, आलू भी बचा लिए थे, क्योंकि हमें बीच में भी लगाना था ना, तो इस तरह से इसको आप लगा दें। अब वापस से इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। देखिए चावल में ये मैं सोचे कुछ गंदा पड़ा हुआ, चावल में टोटल मसाला है। इस तरह से पूरा चावल हम इसके ऊपर लगा देंगे और इस तरह से आप बना के खाएं, वाकई में आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा। इसके साथ किसी भी सब्ज़ी का आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस सलाद बना लें या सिरके वाला प्याज, हम लोग तो सिरके वाला प्याज ही ज़्यादा रख लेते हैं बिरयानी के साथ, तो सिरके वाला प्याज है अक्सर हम बना के रखे रहते हैं, बच्चों को ज़्यादा पसंद है। उससे सिरके में प्याज को डुबा देने से प्याज का जो झार होता है ना, वो जो बहुत तेज़ लगता है तीखापन, वो बहुत कम हो जाता है, एक हल्का सा मिठास हो जाता है, खट्टा मीठा सा लगता है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा करके सिरके वाला प्याज यूज़ करते हैं। अब ये जो हम ग्रेवी निकाल के रखे थे, इसको हम धीरे धीरे करके चम्मच के सहारे इसे हम हर जगह चारों तरफ से फैला देंगे। हमें बहुत और थोड़ा बड़े कटोरे में ही निकालना चाहिए था, कटोरी बहुत छोटा था, बहुत गर्म भी है, तो बहुत ही सावधानी के साथ इसको निकालें और कांच वाँच के पूरा घी तेल मसाला सब कांच के चावल में फैला दें। अभी इसमें हमको बाकी है ब्राउन प्याज जो हम अच्छे से फ्राई करके रखे हुए थे, उसको जब भी प्याज को फ्राई करते हैं तो हम एक जाली रखें, सारा वो जाली के ऊपर ही रख देते हैं और उसके नीचे एक प्लेट लगा देंगे, जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा वो सब प्लेट में आ जाएगा, तो वो तेल हम कहीं और भी यूज़ कर देते हैं, किसी चीज़ में भी कोई भी साग सब्जी बनाते हैं तो उसमें लगा देते, थोड़ा बहुत तो उसमें भी कांच खुच के डाल देते हैं। देखिए ये एकदम गर्म कढ़ाई है, वही थोड़ा सा वापस से हम अदरक और मिर्ची को ऊपर से डाल दे रहे हैं, देख के तो पता लग रहा है बहुत तीखा होने वाला है, क्योंकि मिर्ची काफ़ी पड़ा हुआ है मसाले में भी और नीचे भी उसके ऊपर वाले परत पे भी है। अब इस तरह से पूरे प्याज को हम सजा देंगे, ब्राउन प्याज, ये प्याज डालना बहुत ज़रूरी होता है बिरयानी में, ख़ास करके इसका एक अलग फ्लेवर है, एक अलग टेस्ट है, बहुत ही अच्छा। देखिए अभी हम केवड़ा जल डाल दिए हैं, ज़रूरी है थोड़ा सा केवड़ा जल डाल के इसको हम 2 मिनट के लिए एकदम धीमी आँच पे ढक के छोड़ देंगे। इसे बिल्कुल चलाना नहीं है, छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है इसके साथ में, इसे इसी तरह छोड़ दें। 2 मिनट के बाद ही हम इसको खोल देंगे, आँच को सबसे पहले बंद कर दीजिए, आँच बंद करने के बाद भी तुरंत खोलना नहीं है, आप गैस का फ्लेम बंद कर दें, उसके बाद धीरे से कढ़ाई को नीचे पहले उतार लें, और देखिए बहुत तेज़ से ये कढ़ाई, ये जिस बर्तन से हम ढाके वो बहुत गर्म हो गया है, तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है, वहाँ खुशबू भी बहुत बढ़िया, देखते ही एक मन में हो जाए देखने के साथ ही कि अरे यार ये तो बनाना चाहिए, खाना चाहिए।
देखिए अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा चलाएंगे। देखिए नीचे थोड़ा ग्रेवी रह गया था, तो देखिए बिल्कुल चावल एकदम एक एक खिला खिला दाना अलग से है, पूरा ग्रेवी भी सूख गया है। और थोड़ा मसालेदार चावल, थोड़ा सा सादा चावल, देखिए नीचे का जो ग्रेवी था उसका ये चावल है कलर हल्का पीले में। अब हम इसको एक प्लेट में थोड़ा सा निकालेंगे और ठंडा करने के बाद, ठंडा करने का तो मूड नहीं है, गरम गरम ही चावल हम बिरयानी खाएंगे और आपको बताएंगे ये कैसा बना है। इसे आप, हम तो चाहेंगे कि एक बार तो ज़रूर से ट्राई करें, ये ज़रूरी नहीं है कि बिरयानी मतलब नॉन वेज ही हुआ, वेज बिरयानी भी इसी तरह से आप आलू के साथ बनाएं और वाकई में बहुत ही बढ़िया लगेगा और ज़रूर से ट्राई करें। अंडा नहीं, देखिए थोड़ा कोफ्ता और थोड़ा आलू के साथ मसालेदार चावल और थोड़ा सा सादा चावल, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना धनिया डाल दें। बहुत ही बढ़िया देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया टेस्ट है। अगर वीडियो में से हम खिला पाते हैं तो आप लोगों को जरूर से खिला के बताते हैं, चेक कराते हैं कि देखिए वाकई में कितना बढ़िया टेस्ट है। और वैसे भी जो खाने के शौकीन हुए वो बनाते हुए हमें देख कर ये समझ ही गए होंगे कि जिस चीज़ में भी आप इतना सारा चीज़ डालेंगे और इतने मन से उस चीज़ को बनाएंगे तो वो तो अच्छा बनेगा ही एक गोली के साथ। मिर्ची फेंक देते हैं हम लोग और कभी कभी काट के खाते हैं। ऐसा लग रहा है जो हम लोग, हम कटहल का जो कोफ्ता का गोली डाले हैं उसकी वजह से हमें नॉनवेज जैसा फील हो रहा है, लेकिन आलू के साथ जो है एक और बाइट। तो ऐसे ही बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी डिश बनाइए और मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्चुअली हम कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, हम जानते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना चैनल बंद करने वाले हैं, हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और वीडियो भी बनाते रहेंगे और आप लोगों को मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ही पड़ेगा। ओके, धन्यवाद।